हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी कटोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे डी ट्रिपल एसबी के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट, जिसमें हम टीजीटी लेवल का पेपर जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के जो है क्वेश्चन जो थे टीजीटी लेवल पर देखने को मिले थे। ओके, तो जिसके भी टीजीटी के आगे एग्जाम होंगे डी ट्रिपल एसबी के, तो एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा पेपर जो है आएगा, कितना टफ होगा कितना ईजी होगा ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी पेन साथ लेकर बैठिएगा, हर एक क्वेश्चंस को खुद से निकाल के देखिए, चाहे वीडियो को पॉज करके निकालिए बट निकालिए, ठीक है, बट खुद से निकालना है आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि L का अर्थ प्लस M का अर्थ दे दिया, N का दे दिया और P का दे दिया, और मान बताना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 6N है, तो हम क्या रख लेते हैं, 6 × 12, L का अर्थ है प्लस, प्लस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14, 14 के बाद आया है P, P का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड के बाद 7, ठीक, फिर M का अर्थ है माइनस एंड देन 5। तो हम अगर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास देखें तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व किया जब हमने तो ये बच जाएगा 2, तो ये प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो 12 × 6 = 72, 72 हो जाएगा, एंड माइनस 5, तो ये 74 − 5 आ जाएगा, तो राइट आंसर 69 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस आकृति में दी हुई आकृति विद्यमान है, ये आकृति बतानी है कि इन चारों में से किस में है। तो देखिए, इसमें ये इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसमें भी इनकम्प्लीट है तो ये भी नहीं होगी, इसमें तो है ही नहीं, थर्ड में देखिए, थर्ड में बिल्कुल सेम है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, एमीटर विद्युत धारा और बैरोमीटर, विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से, और बैरोमीटर क्या, बैरोमीटर से क्या मापते हैं, प्रेशर को, दाब को, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब पारदर्शी पत्रक सीट को बिंदुवार रेखा पर मोड़ा जाता है तो आकृति कैसी प्रतीत होती है। देखिए, इस तरीके से मान लीजिए पूरा पेज दिया हुआ है, ठीक है, और इस पेज को जब हम मोड़ेंगे तो इनमें से कैसी आकृति आएगी। ऐसा तो है नहीं कि पेज मोड़ने के बाद ये हट जाएगा, या फिर ये फिल हो जाएगा, या फिर ये बिल्कुल ही चला जाएगा। तो देखिए, इसमें ये अकेला दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, इसमें ये वाला अकेला है तो ये नहीं होगा, इसमें ये फिल कर दिया गया है तो फिल कैसे हो सकता है अपने आप, ये भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन ए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ज्यामिति उत्तरोत्तर श्रेणी की निम्नलिखित श्रृंखला में सातवीं संख्या क्या होगी। सीरीज का क्वेश्चन है, 5 दिया है, 35 दिया है, 245, 715, हमें यहाँ बताना है क्या आएगा। तो देखिए, 5 सते क्या होता है, 35 होता है, 35 सते कितना होता है, 245 होता है, 35 × 7, और 245 × 7 कितना होता है, 1715 होता है, तो नेक्स्ट भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 12005, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक में सदा डैश होते हैं, कथन को पूर्ण करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो पुस्तक में सदा चित्र होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, पाठ हो ऐसा भी नहीं है, उदाहरण हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक पुस्तक में सदा पेज जरूर होते हैं हर एक में, तो पृष्ठ होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग बहुत ईजी पूछी गई थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, 20 में से 17-18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पेपर में सबसे मुश्किल चीज़ थी वो था मैथ, ठीक है, सीधा सा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, इतने लेंथी क्वेश्चन थे कि किसी में आप कोई ट्रिक अप्लाई कर ही नहीं सकते, आपको पूरा अच्छे से निकाल के देखना पड़ेगा स्टेप वाइज कि किस तरीके से आंसर निकलेगा। ओके, तो बहुत लंबे क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छुई मिरर इमेज बतानी है, तो ये हमारा है मिरर इमेज में हमने एक चीज पढ़ी है, लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वाली चीज है वो किस तरफ दिखेगी, हमें राइट की तरफ दिखेगी, ठीक है, और ये जो लेफ्ट वाला है ये इस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बाकी देख लीजिए, चारों अलग दिख ही रहे हैं, ये तो देखिए अपने आप थोड़ी ना फिल हो जाएगा इसमें, और ये दोनों तो हैं ही गलत, ठीक, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में पैडल हैंडल साइकिल के लिए वेन आरेख चुनिए,
तो साइकिल के ही भाग होते हैं पैडल और हैंडल। तो एक साइकिल में क्या क्या होता है, पैडल भी होते हैं हैंडल भी होते हैं, तो ये बन जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पिता, मतलब महिला के पिता की बहन, पिता की बहन का पुत्र है। तो उस व्यक्ति का संबंध उस महिला के साथ किसके रूप में हुआ, तो वो उसकी बुआ का बेटा है, ठीक है, तो भाई लगा। तो यहां पर आप एक डायरेक्ट भाई दिया, एक चचेरा भाई या ममेरा भाई दिया है, इस तरीके से दिया है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, डायरेक्ट भाई मत लगा देना, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, डी के लिए उपयुक्त आकृति का चयन करना है। ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल को फिल किया गया है, फिर स्क्वेयर दिया है, उसको फिल करके दिखाना है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समीर और प्रशांत की वर्तमान आयु क्रमशः इतने अनुपात में है, 6 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात इतना हो जाता है प्रशांत की वर्तमान आयु। जब भी रेशो में कोई क्वेश्चन आए उनके पीछे हमेशा एक्स मान लीजिए, और 2:3 दिया है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x/3x लिख सकते हैं, तो ये इनका वर्तमान का हो गया। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो ऑब्वियस है 6 वर्ष दोनों में ऐड हो जाएंगे, इसके भी 6 वर्ष और इसके भी 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद दोनों का रेशो कितना हो गया, 4:5 हो गया, तो 4:5 लिख दीजिए, ठीक है। अब प्रशांत की वर्तमान आयु पूछ ली, अगर हमें x की वैल्यू पता होगी, हमने 2x 3x माना इन्हें, x की वैल्यू पता है तो हम प्रशांत की भी निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से ही हो जाएगा 5 × 10x + 30, 12x + 24, ठीक है। तो ये 2x = 6 आ जाएगा और x 3 आ जाएगी वैल्यू, तो प्रशांत की जो है वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3x है, 3 × 3 9 जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा, सी ऑप्शन। समीर की पूछता तो 3 × 2 = 6 हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओके सॉरी, निम्नलिखित पाई लेखा चित्र एलएमएन कंपनी द्वारा चॉकलेट के उत्पादन के संबंध में जानकारी दर्शाता है, सभी उत्पादों की बिक्री द्वारा प्राप्त राजस्व इतना है, तो पूछा गया है, देखिए टोटल हमें पता चल गया कितना है, 12400 है, टोटल कितना है 12400, और फिर परसेंटेज में दे दिया कि मिल्क चॉकलेट के लिए इतना है और बाकी चीज़ों के लिए। इसने पूछा शर्करा मुक्त शुगर फ्री चॉकलेट की बिक्री द्वारा प्राप्त कितना राजस्व है। अब देखिए हमने देखा परसेंटेज में है और ये टोटल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12400 रुपये है, ठीक है, 12400। अब हमें चाहिए अगर हम 5% की वैल्यू, क्योंकि हमें शुगर फ्री की बतानी है, तो हम यहाँ से पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते, कितनी हो जाएगी 12400 और बटे में क्या चला जाएगा 100 चला जाएगा। फिर अगर हम एक की देखें तो कितनी आएगी 124, और हमें निकालनी कितनी है 5% की, तो गुना कर दीजिए 5 से, 5 × 20 2, 5 × 2 = 10 और 2 = 12, 1 × 5 = 5 और 1 = 6, 620 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है, 620 जो है सही होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप कार से कार्यालय जा रहे हैं, यदि आप सड़क पर सहायता के लिए पुकार रहे किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं, तो सर्वोत्तम विकल्प चुनें जो आप पहले करेंगे, उसे छोड़ देंगे और अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, एम्बुलेंस को फोन करेंगे या उसे उपचार के लिए किसी भी माध्यम से अस्पताल ले जाएंगे, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, पुलिस को फोन करेंगे उसकी देखभाल करने के लिए, उसके परिवार के सदस्यों को फोन करेंगे, तो इनमें जो सबसे सही है वो है एम्बुलेंस को फोन करेंगे और उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, ठीक है। अगला है, कैप्टन और सैनिकों सहित 1600 व्यक्तियों का एक समूह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है, ट्रेन में 1600 व्यक्ति हैं, प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कैप्टन है, मतलब एक समूह में देखिए कितने सदस्य हो गए, 15 सैनिक और उन पे एक कैप्टन, 16 सदस्य हो गए, तो दिए गए विकल्प समूहों में कैप्टनों की संख्या बतानी हमें, हर एक में 16 हो रहे हैं, ठीक है, हर एक में, और अगर देखिए अगर 15 सैनिक हैं, वेट ए सेकेंड, देखिए 16 हो गए एक समूह में, तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 16, तो कितने जो है सैनिक सॉरी कैप्टन हो सकते हैं, 16 × 100 1600 हो सकते हैं, तो यहाँ पर 100 कैप्टन आ जाएगा, क्योंकि अगर 100 कैप्टन होंगे तो उनके अंडर 15 15 जो है होंगे, तो 1500 तो सैनिक ही हो गए
और सो कैप्टन हो जाएंगे, तो सो आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्टनों की संख्या बतानी है तो सो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंखला में आगामी आकृति बतानी है। बी है, इस तरीके से उल्टा करके लिख दिया गया बी को, और जो ये छोटे वाला भाग था ये नीचे की तरफ आ गया और बड़े वाला ऊपर चला गया। पी में भी सेम करेंगे, इस तरफ था ना इसी का इसका मुंह, तो देखिए बी इस तरफ था उस तरफ चला गया, सेम पी में कुछ इस तरीके का जो है बन जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, विषम को छांटना है। फिजियोलॉजी बॉडी, हेमेटोलॉजी ब्लड, कार्डियोलॉजी हार्ट और माइकोलॉजी इंसेक्ट, इसमें जो विषम है। तो देखिए मानव शरीर किससे मतलब किस में आता है, फिजियोलॉजी में, ब्लड हेमेटोलॉजी, हार्ट कार्डियोलॉजी, लेकिन स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाती है, एंटेमोलॉजी कहलाती है, ना कि माइकोलॉजी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताना क्या होगा। तो देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है B3, D6, H12 और N24। तो यहाँ से देखेंगे 3 दुनी 6, 6 दुनी 12 और 12 दुनी 24। ठीक है, जो काउंटिंग है वो तो इस तरीके से आई है। फिर इसको देखते हैं, बी के बाद सी, एक छोड़ दिया, डी आ गया। फिर देखिए ई एफ जी, ठीक है, पहले एक था, अब की बार 3 हो चुके हैं। एन तक पहुंचने के लिए जी एच हो गया, आई जे के एल एम, ठीक है 5 हो गए। तो नेक्स्ट टर्म में कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और अगला इससे क्या होगा, 24 दुनी 48। अब 48 हर एक ऑप्शन में है, तो देखिए 7 को छोड़ेंगे अगर हम एन के बाद, ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है 7 हो गए, तो V48 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही होगा, V48। ठीक है, अगला देखिए, श्रृंखला में विषम आकृति का चयन कीजिए जो इसमें सबसे अलग है। ठीक है, एक तरीका तो देखेंगे अगर आप, तो हर एक में देखिए भुजाएं बन रही हैं, किसी में 3, किसी में 4, तो किसी में 5, इसमें सर्कल बन रहा है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, बट दूसरा भी है, ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्या है, अगर आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल था तो नीचे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे सर्कल था तो यहाँ पे भी सर्कल है, स्क्वेयर था तो स्क्वेयर है, लेकिन इसमें अगर पेंटागन दिया गया है तो नीचे ट्रायंगल बना दिया गया है, तो ये इसमें विषम आकृति हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चलेगा यहाँ पे। अगला देखिए, एक शोध संगठन में वैज्ञानिक की भर्ती के मापदंड दिए गए हैं कि कौन सा वैज्ञानिक क्या लगेगा। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया इसने, अगर न्यूनतम 65% अंकों के साथ गणित, भौतिकी, रसायन और विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब उसके कम से कम 65% मार्क्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, 1/1/2018 को 26 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब वो 26 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, 27, 28, 29 हो सकता है, लेकिन 35 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष तक हो सकता है। वैज्ञानिक के पास 50% से अधिक अंकों के साथ पोस्ट डॉक्टोरल की उपाधि भी होनी चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए और 1 वर्ष के लिए प्रोबेशन के लिए होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष के लिए वो प्रोबेशन के लिए तैयार हो, तो ये 5 जो है मांगी थी। ठीक है, तो इसने क्या कहा आगे, अगर अभ्यर्थी 3 के अतिरिक्त सभी मापदंडों को पूरा कर देता है, मतलब 4 शर्तों को मान लेता है थर्ड के अलावा, तो वो लग जाएगा परियोजना वैज्ञानिक। अगर वैज्ञानिक 3 और 4 नहीं है, मतलब 3 4 जो है नहीं है उसके पास मापदंड, ना तो उसके 50% से अधिक अंक है और ना ही अनुभव है, तो वो लग सकता है कनिष्ठ वैज्ञानिक। ठीक है, आगे है, अगर 7 वर्षों का अनुभव है तो वरिष्ठ वैज्ञानिक और सारे मापदंड भी पूरा कर रहा है तो ये लग सकता है। अगर सारे मापदंड पूरे हैं लेकिन अनुभव 3 वर्षों की जगह 12 वर्षों का है तो वो मुख्य वैज्ञानिक लग जाएगा, इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक था। तो एक क्वेश्चन दिया कि सुधीर की आयु 1/1/18 को 28 वर्ष है, तो पहले वाला इसका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एक मांग इसकी पूरी होगी। उसके पास गणित में पोस्ट डॉक्टोरल और स्नातकोत्तर की उपाधियां भी हैं और वो भी 75% से अधिक, तो उसमें तो 65% ही मांगी थी, तो इसने दूसरी भी जो है मांग पूरी कर ली। उसके पास कोई अनुभव नहीं है,
अनुभव वाला था फोर्थ, तो ये फोर्थ को जो है कंप्लीट नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोबेशन के लिए तैयार है, तो फिफ्थ वाली भी ये पूरी कर रहा है। और उसे किस पद के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है, तो फर्स्ट सेकंड जो है ये कंप्लीट कर रहा है, और थर्ड क्या थी 50% अधिक अंकों के, तो थर्ड भी पूरी कर रहा है। तो देखिए ये जो है फोर्थ कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो देखिए वरिष्ठ वैज्ञानिक और मुख्य वैज्ञानिक तो ये लग ही नहीं सकता। थर्ड जब वो पूरी नहीं कर रहा था तो वो कनिष्ठ वैज्ञानिक लग, सॉरी प्रियोजना वैज्ञानिक लग रहा था, तो यहाँ पे प्रियोजना वैज्ञानिक आ रहा था, तो ये थर्ड भी नहीं हो सकता। अब बची थ्री और फोर्थ, अगर इनमें से वो एक भी पूरी नहीं करता तो वो क्या लगता है, कनिष्ठ वैज्ञानिक लगता है, यही जो है इस पॉइंट में कहा गया। अगर तीन और चार के अतिरिक्त सभी मापदंडों को पूर्ण करता है तो उसे कनिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनिष्ठ वैज्ञानिक, क्योंकि वो फोर्थ वाली कंप्लीट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से संख्या के विषम युग्म का चयन करना है। 64, 256, 25, 125, 49, 343 और 81। तो देखिए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, सॉरी 8 का स्केयर होता है। ठीक है, बाकी में अगर हम देखेंगे तो ये 7 का स्केयर है और 7 की पावर 3 है। सेकंड में 5 का स्केयर है और 5 की पावर 3 है। लास्ट में 9 का स्केयर है और 9 की पावर 3 है, तो ऐसे बन रहा है। लेकिन फर्स्ट वाले में देखेंगे 8 का स्केयर है, लेकिन 8 की क्यूब 256 512 होती है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्षेत्र का उसी क्षेत्र से संबंधित कला से संबंध पारंपरिक रंगमंच स्वरूप का मिलान करें। रंगमंच दिए गए हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप एक तो इजीली बता ही सकते हैं, जैसे यक्षगान है, बार बार पूछा जाता है। अगर आपको तीन नहीं भी पता है तो यक्षगान तो सबको पता होता है, यक्षगान कर्नाटक का है, और जैसे ही बी का एच देखेंगे तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एक जो आपको आता है बिल्कुल सही उसके अकॉर्डिंग करें। कई बार होता है कि दो में वो सेम दे दिया जाता है, अदरवाइज चांसेस यही होते हैं कि ज़्यादा एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे भांड जात्रा देखिए, अगर सबसे पहले तो जात्रा है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, भवाई जो है ये गुजरात का है रंगमंच, और भांड पाथर कश्मीर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के रूप में दो बार अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने पूरा किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, मनमोहन सिंह ने किया अभी 10 साल के जब लिए जब किया था। तो यहाँ पे जो पूरा नहीं कर पाए थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जो सबसे पहला शुरू हुआ वो हुआ मई 1996 में। सेकेंड टर्म जो थी वो थी 1998 से 1999 तक। और इसमें देखिए क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। ओके, इसके अलावा इस कार्यकाल में लाहौर समिट हुआ, कारगिल वॉर हुआ, तो ये कुछ चीज़ें इसमें हुई थी। थर्ड जो आया वो था 1999 से 2004 तक, वो पूरा था, कंप्लीट था। तो ये दो जो थे जो वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत ने 1974 में और 1976 में किए गए समझौते के अंतर्गत श्रीलंका को किस द्वीप का स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया था। तो देखिए 1976 तक जो ये क्षेत्र था, जो ये द्वीप था, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या था, विवादित क्षेत्र था। ठीक है, और वो कौन सा द्वीप था, कच्चथीवु द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बोलिक अम्ल में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन है रेड लिकर, लाई, फिनोल या दुग्ध चूना। तो कार्बोलिक अम्ल में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ है फिनोल। कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है, मोहम्मद गोरी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से कौन है जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड नहीं है। तो गयासुद्दीन बलबन भी है, खिलजी भी हैं और मोहम्मद बिन तुगलक भी हैं। कौन नहीं है, मोहम्मद गोरी नहीं है। मोहम्मद गोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था, तराइन मीन्स करनाल में हुई थी वो लड़ाई, तो ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं थे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? जसवंत सिंह, एल के आडवाणी, पी चिदंबरम और यशवंत सिन्हा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल के आडवाणी ने जो है वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? यह मिट्टी और रेत का मिश्रण है, जलोढ़ मिट्टी। तो बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी जो है मिट्टी और रेत का मिश्रण है। नेक्स्ट है, यह पोषक तत्वों से भरपूर है, तो बिल्कुल सही है। यह उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्र के अधिकांश भागों में पाई जाती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यह सब्जियां और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, और फलों के लिए जो सबसे अच्छी है वो कौन सी है, सब्जी और फल उगाने के लिए जलोढ़ मिट्टी ही उपयुक्त है, तो यहाँ पे उपयुक्त है आना था। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में जो है फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा जो है अधिक होती है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वे कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह। तो देखिए, भारत के ऐसे दो प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, एक थे पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे थे एच डी देवगौड़ा। तो ये दूसरा नाम भी दे सकते हैं नेक्स्ट पेपर में, तो ये याद रखिए, पीवी नरसिम्हा राव और एच डी देवगौड़ा संसद के सदस्य नहीं थे। डैश को मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करने का श्रेय किसे, WWW का जो है आविष्कार किसने किया था, तो ये क्या था, टिम बर्नर्स ली ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासनकाल के दौरान किस व्यवस्था को धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तारित किया गया था? तो देखिए, इस व्यवस्था को जो है सबसे पहले 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था, और यह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, किसके शासनकाल के दौरान हुई है, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के शासनकाल के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तीन वर्तमान में भारत में मौजूद म्यूचुअल फंड की जानकारी देते हैं विषम को छाटे, शॉर्ट कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और मल्टी कैप फंड। तो देखिए, मिड कैप फंड भी है जो म्यूचुअल फंड की जानकारी देता है, मल्टी कैप भी है, लार्ज कैप भी है, लेकिन शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट की जगह कौन सा है, स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप है, ना कि शॉर्ट, ये याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा वैल्यू फंड भी है, कॉन्ट्रा फंड भी है, फोकस्ड फंड भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, टेनिस के खेल में सर्विस बॉक्स में गेंद इस प्रकार डालते हैं कि उसे विरोधी खिलाड़ी अपने रैकेट से छू भी नहीं पाता, मतलब स्पर्श नहीं कर पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, फॉल्ट कहा जाता है, लोब कहा जाता है, एस कहा जाता है, लीड कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है एस, जब दूसरा खिलाड़ी उसे छू भी नहीं पाता है। ठीक, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निश्चित किया गया है कि ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा, तो ये हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था, 2024 की कौन करेगा, पेरिस करेगा, 2020 की टोक्यो करेगा, और एलए कहाँ की करेगा, मतलब किस सीजन की, 2028 ओलंपिक खेलों की। ठीक है, नेक्स्ट है, बहाई मंदिर कहाँ स्थित है, तंजावुर, मथुरा, नई दिल्ली या उदयपुर? बहाई मंदिर, जिसे कमल मंदिर भी कहा जाता है, या फिर कह लीजिए लोटस टेम्पल। अब आप इजीली सोच सकते हैं कि लोटस टेम्पल कहाँ पर है, लोटस टेम्पल कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बहाई मंदिर को ही लोटस टेम्पल कहा जाता है, या कमल मंदिर जो है इसको कहते हैं। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के केंद्र में स्थित अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो तीन कलर और चक्र होता है, तो सबसे ऊपर केसरिया रंग जो है ये शक्ति, साहस और त्याग को दर्शाता है, केसरिया। वाइट कलर जो है किसे शो करता है, शांति को और सत्य को। उर्वरता और विकास, ग्रीन कलर। और धर्म कौन दर्शाता है, अशोक चक्र दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, धर्म। ठीक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान IISS मीन्स इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंसेज, ये कहाँ पर स्थित है, करनाल में, तो करनाल में तो NDRI है। ठीक है,
एक मिनट, सॉरी, एनडीआरएफ। तो करनाल में एनडीआरएफ या डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये तो होगा ही नहीं, मतलब ये नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंसेज, ये कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में है, सी ऑप्शन। ठीक, निम्न में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? ए धातु, धातु, उपधातु और जल। तो 118 तत्व हैं और उनको किस किस में बांटा गया है? मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड्स में, धातु, ए धातु और उपधातु में। तो जल में नहीं है वर्गीकरण, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कोई एसेट जिसे उसकी कीमत में कमी किए बिना आसानी से बेचा या रूपांतरित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? फ्लूड, लिक्विड एसेट, वित्तीय एसेट या सरल धन। तो इसे क्या कहते हैं? लिक्विड एसेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ओपेक का, WTO का, ILO का या WHO का। तो इजी क्वेश्चन है ये, जो मुख्यालय है ये है ओपेक का, वियना ऑस्ट्रेलिया में। WTO, ILO, WHO तीनों का ही मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में तीनों का, और वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का। ठीक, 2015 में वैज्ञानिकों ने लीगो यंत्र का प्रयोग करके डैश तरंग का पहली बार पता लगाया था, तो ग्रेविटेशनल वेव का, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का। लीगो की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो लीगो जो होता है वो होता है लेजर इंटरफेरोमीटर। ठीक है, देखिए लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है मैथ। तो मैथ्स जो था डिफ़िकल्ट था, तो इन क्वेश्चंस को खुद से निकालने की कोशिश करें पहले। देखिए, आबिन अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 1% की वृद्धि और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, यदि उसकी बचत इतनी की हो तो x का मान क्या है? तो देखिए, जो जो इसने बोला है, हमें पता है हमारी आय कब बनती है। हम अपनी आय में से दो ही चीज़ करते हैं, या तो खर्च कर देते हैं या फिर उसे बचाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर, खर्च और प्लस में सेविंग के बराबर होती है। ठीक है, यही कहते हैं। अब देखिए, मैं मान लेती हूँ कि हमारी जो इनकम थी पहले 100 है, 100 है। आबिन कह रहा है, मतलब आबिन की जो इनकम है वो 100 है, वो उसमें से 70% खर्च कर रहा है, मीन्स एक्सपेंडिचर 100 का। अब 70% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 70 ही तो आएगा। जब 100 में से 70 उसने खर्च कर लिया तो बचा कितना? 100 में से 70 माइनस कर दीजिए, सॉरी ऐसे आएगा, प्लस नहीं आएगा, मतलब प्लस होता है बट अभी हम प्लस नहीं लिख रहे हैं। तो 70 में से जो बच गया वो हो गया 30। ठीक है, ये बना। नेक्स्ट वो कह रहा है, अगर उसकी आय में x की वृद्धि, x प्रतिशत की वृद्धि है, 100 थी, 100 में x प्रतिशत की वृद्धि, यानी कि 100 प्लस एक्स बाई 100, ये बन जाएगा। ओके सॉरी, वेट अ सेकेंड। तो देखिए, 100 थी, अब कितनी हो गई है? 70 खर्च हो गया और 30 जो थी उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, x की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर हम 100 में x जोड़ दें इनकम में, तो हमारे एक्सपेंडिचर में जो है 10% की वृद्धि हो जाती। तो यहाँ पर 70 का हम 10% निकालें तो कितना आएगा? 7, तो 70 में 7 और जोड़ दीजिए तो बचत कितनी, सॉरी खर्च कितना हो जाएगा? 70 से 77 हो जाएगा। फिर कह रहा है, यदि उसकी बचत इतने की, बचत में इतने की वृद्धि हो तो x का मान क्या है? अब 30 थी उसकी बचत, अगर उसमें हम 30 के इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दें, यानी कि 30 गुना 48/50 की हम वृद्धि कर रहे हैं, परसेंट में है तो गुना 100 भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं सॉरी, 16 × 48 दो, 50/3 होगा, ओके सॉरी, 50/3। तो यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 30 + 15, 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है तो 5, तो यहाँ पे 30 से कितनी होगी? 35 होगी। उसने कहा तो x का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ गया?
70 आ गया और सेविंग कितनी आ गई 35 आ गई, तो टोटल इनकम यहाँ से कितनी आएगी 112 और इस तरफ कितनी है 100 प्लस एक्स, तो 100 प्लस एक्स इक्वल टू 112, एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 12, ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5 और फिर ये कंप्लीट दिया है और ये मान निकालना है। अभी देखिए अगर आप इस चीज़ को और इस चीज़ को छोड़ दीजिए, इनको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। चलिए पहले सबसे पहले हम ऊपर वाली इसी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसने कहा 8 भाग में 2 बाई 3 का 4 बाई 5, तो ये 2 बाई 3 का 4 बाई 5 हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 बाई 3 का 4 बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 15, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 8 बाई 15। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये 8 बाई 15 इंटू 8 हो जाएगा और यहाँ से जो आंसर बचेगा वो सिर्फ कितना बचेगा 15, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। सेम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 8 गुना 2 बटे 3 और ये भाग में 4 बटे 5 है, उसको ऐसे कैसे रखो, ठीक है, नहीं इसको एक मिनट सोल्व कर लेते हैं, भाग है ना तो इसको गुना कर लेते हैं और 5 बटे 4 लिख लेते हैं इसको सिंपल, ओके। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20 बटे 3, तो इसको सोल्व करके हमें कितना मिला 20 बटे 3, इसको सोल्व करके 15, इसको सोल्व करके 20 बटा 3। अब बची ये वाला एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे देखिए आप 0.89 और 64 ही दिख रहा है हमें समय, तो एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे ऊपर, ए स्केयर बन रहा है और प्लस बी स्केयर बन रहा है और प्लस ए बी, सेम नीचे बन रहा है, क्योंकि अगर इसको आप पूरा सॉल्व करने लगेंगे तो भी अगर आप सॉल्व कर भी लेंगे तो भी एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ओके, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा कि 89 का स्केयर निकालने बैठे हैं अभी। तो नीचे आप देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है कि ए माइनस बी होता है और ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वाले में भी किया था, ठीक है। तो इस ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए बी से ये कट जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा सिर्फ 1 ए माइनस बी, ए की वैल्यू हमें पता है 0.89 है, तो ये हो जाएगा 0.89 माइनस 0.64, ठीक। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो 0.25 निकलेगा, लेकिन 1 में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100/25 लिख सकते हैं, तो यहाँ से सोल्व होके 100/25 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 15 इंटू 100/25 और भाग में कितना है 20/3 था, ठीक है, 20/3, तो अब ये भाग में, तो इसको गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 100/25 इंटू 3/20, ठीक, 25 चौक 100, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 9, तो राइट आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा 9 निकल जाएगा। वेट ए सेकेंड, ओके एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई इसमें, देखिए 15 गुना 100/25 और गुना में 3/20 ये था, ठीक है, तो 5 तीये 15, 5 पंजे 25, ये 5 दूनी 10 और 0 ही आ रहा है, ओके ठीक है, आंसर यही निकलेगा 20 से माइनस 9 ही आएगा, सॉरी 9 ही ठीक आएगा इसका आंसर, तो 9 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माना कि x एक न्यूनतम संख्या है जो 12, 16 तथा 24 से विभाज्य है, कोई एक संख्या है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होता है, हम उसको LCM बोल सकते हैं, देखिए एक न्यूनतम संख्या जो इनसे क्या है विभाज्य है, तो एलसीएम भी तो यही होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसका भी हम एलसीएम निकालते हैं वो तीनों से ही विभाजित होती है और उनका क्या होती है न्यूनतम संख्या होती है, वो हाईएस्ट में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो बड़ी संख्या होती है, तो हम 12 16 और 24 का अगर हम न्यूनतम फैक्टर निकालें एलसीएम निकालें तो कितना आएगा 48 आएगा,
ठीक है। लेकिन जब इसे 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है, और जब x को 52 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। अब इसने कहा कि x एक न्यूनतम संख्या है, ठीक है, तो 48 हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये कितनी है, न्यूनतम संख्या है, तो वो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 48 इंटू 3 हो जाएगी, मीन्स 3 अठे 24, 2 3 चौक 12 13 14, तो वो संख्या कितनी निकल जाएगी, 144। एक्स की संख्या कितनी आ गई, 144। फिर देखिए, अगर इसे 13 से भाग दिया जाता है तो एक शेषफल बचता है। आप इसे 13 से भाग देकर देखेंगे तो 13 एकम 13 आ रहा है एक भागफल, सॉरी शेषफल आ रहा है। फिर कह रहा है अगर इसी x को 52 से भाग दे, अगर 144 को हम 52 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, देख लीजिए, 52 से अगर हम करेंगे तो 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 104, 4 4 0 40, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 40। तो जब भी ऐसे पूछे, माना x एक न्यूनतम संख्या है, तो क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अगर बड़ी संख्या बोले तो इनका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए तीनों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वस्तुएं ए बी के क्रय मूल्य में एक्स वाई का अनुपात है, अगले 2 वर्षों में ए के मूल्य में 10% की वृद्धि और बी के मूल्य में 20% की कमी हुई है, यदि 2 वर्ष के पश्चात उनके मूल्य में इतना अनुपात है तो इसका मान क्या होगा। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको स्टेप वाइज लिखना है। देखिए ए और बी के क्रय मूल्य दे दिए, ए बी, यहाँ पे आप सीधा एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन आगे देखिए ए के मूल्य में 10%, अब आप अगर एक्स का 10% निकालेंगे तो मुश्किल होगी, तो हम क्या मान लेते हैं कि ए हमारा 100x है और बी हमारा 100y है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। ए के मूल्य में 10% की वृद्धि, अब 100 था उसमें 10% और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110x हो जाएगा। 100 में अगर हम बी के मूल्य में 20% की कमी, तो 100 था, 100% में अगर हम 20% की कमी करने लगे तो 80% हो जाएगा, तो 80y कह सकते हैं इसको, ठीक है। यदि 2 वर्ष के पश्चात उनके मूल्य में 10:7 का जो है अनुपात है तो इसका क्या मान होगा, तो हम इसको इस कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 110x अपॉन में 80y बराबर है 10/7 के, क्योंकि रेशो में दिया है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 वैसे कैंसिल हो जाएगी, तो ये 77x इक्वल टू में 80y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू निकाल के चलेंगे तो जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो बहुत बड़ी होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 80 और 60 y के साथ बहुत बड़े हैं, 6 मतलब x के साथ टर्म देखेंगे तो फिर भी कम है, लेकिन y के साथ जो है बहुत बड़ी टर्म है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको x में ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 77/80x इक्वल टू y आ गया, ये y की वैल्यू निकालनी, अब इसमें रखते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में 80y है, y की वैल्यू कितनी है, 77/80, तो देखिए 80 से 80 वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूंगी 77/80x इंटू में 80 माइनस का 2x, ठीक है। सेम इसमें 60 × 77/88x प्लस का 6x कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, तो 80 से 80 कट जाएगा, ये 77x हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे, और माइनस का 2x हो जाएगा। अपॉन में अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, वेट 80 था, सॉरी 88 लिखा हुआ है, सॉरी, तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 77 को अगर हम 6 से करेंगे तो हमारे पास मान लीजिए ऐसे कर लिए, 2 3 6 2 4 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से 231x/4 और प्लस में 6x बच जाएगा, तो ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 75x हो जाएगा। नीचे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 4 जो है यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, और 231 + 24 हो जाएगा ये, तो नीचे जो बचेगा वो 255x अपॉन 4 बचेगा, हाँ तो 4 को हम ऊपर ले जाएंगे, x से x जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 300/255, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 20/17 मीन्स
17, 1/3 जो इसका सही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 17 × 17 ना, तो 3 जो है शेष बचेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो बड़े क्वेश्चंस थे, ट्रिक नहीं है कोई भी क्वेश्चन की, ऐसे ही निकालने पड़ेंगे, जो दे रखा है उन्हें स्टेप वाइज लिखते चलिए बस। देखिए 15 संख्याओं का औसत कह रहा है 72.4 है, तो मैंने जैसा कहा कि हर एक क्वेश्चन को ना आप स्टेप वाइज करते चलिए, कुछ तो निकलेगा, ठीक है। अब देखिए 15 संख्याओं का औसत कह रहा है, तो 15 × 72.4 कर सकते हैं हम, पूरी 15 संख्याओं का जो है योग निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 1086 आ जाएगा, 1086 जो है यहाँ से निकल जाएगा। फिर कह रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो फर्स्ट जो 6 संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इनका जो औसत है 69.5 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 417 आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है उससे अगली 6 संख्या, 6 संख्या तो हमने यहाँ पे ले ली 1 से 6 तक, अगली जो 6 संख्या है 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, उनका जो औसत दे रहा है वो है 74.5, तो 6 × 74.5 करेंगे तो राइट यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 447, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि 12 संख्याओं का योग कितना निकला आया, 12 संख्याएं होंगी ना, क्योंकि 6 का पहली बार निकाला, 6 का दूसरी बार, तो 12 संख्याओं का योग आ जाएगा 864। तो फिर ये कह रहा है कि 13वीं संख्या 14वीं संख्या से इतने कम है 15वीं संख्या से, तो ये बाद में देखते हैं। अब 12 संख्या का हमारे पास निकल गया, तो हम निकाल सकते हैं ना कि 13वीं 14वीं और 15वीं इनका उस जो है योग कितना आ जाएगा, 1086 में से 864 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 222, कि इन तीनों का जो योग है वो 222 है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू होता, देखिए इसने कहा आगे कि 13वीं संख्या 14वीं संख्या से 8 कम है लेकिन 15वीं संख्या से 8 अधिक है, तो 13वीं है, 14वीं संख्या है और 15वीं है। अगर हम 15वीं को एक्स मान ले, ठीक है, हमने 15वीं को एक्स मान लिया, तो यहाँ पे कहा है कि 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 ज़्यादा है, ठीक है। अगर 15 की संख्या एक्स है तो 13वीं क्या है उससे 8 ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 14वीं संख्या से 8 कम है, 14वीं से ये 8 कम है, तो अब आप इसमें से माइनस 8 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप माइनस 8 करेंगे तो वापस से 13 जो है वो एक्स आ जाएगी, तो हम क्या कर देते हैं 8 जो है इसमें ऐड कर देते, तो 16। तो अब देखिए क्या 13वीं संख्या 14वीं से 8 कम नहीं है, तो बिल्कुल कम है, और 13वीं संख्या 15वीं से 8 ज़्यादा भी है, ठीक है। तो ये हमें संख्याएं मिल गई, और इनका जो एडिशन है वो किसके बराबर है, 222 के बराबर है, और हमें 13वीं और 15वीं का औसत निकालना है। तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर रखते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 16 में 8 जोड़ेंगे अगर हम, 24 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू में 222। 24 को माइनस कर लीजिए, 12 में से 4 गए 8, 11 में से 2 गए 9 और 198, ये हो जाएगा 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 66 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई है, 66 निकल गई है। तो देखिए आगे x 66 आ गया, x अब हमने क्या माना था 15वीं संख्या को, तो ये हमारी 15वीं संख्या निकाली थी, और 13वीं संख्या इससे 8 जाती थी, तो 66 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 74, तो 74 प्लस 66 इनका औसत निकालना है, तो बाय कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 140/2, 70, इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 70, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका नहीं है, ये आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि ए के 1/5 भाग का 50%, बी के 25% भाग के 50% के दुगने के बराबर हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक। तो बिल्कुल वही लिखते जो जो दिया है। अब ए का 1/5, तो ए का 1/5 इसके भाग का 50%, प्रतिशत में है तो 50/100 लिख लेते हैं, बराबर किसके दिया है, बी के 25%, बी के 25% यानी कि 25% भाग 25/100, भाग का भी 50%, तो गुणा में 50/100, और उसका भी दुगना, तो गुणा में 2 भी कर दीजिए, ठीक है।
अब पूछा ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी तो हम तभी निकाल से सॉरी प्रतिशत कितना अधिक है काम है ये तभी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है। तो पहले वो फाइंड आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ए बाई 10 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है इक्वल रखते हैं। देखिए इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 चौक 100 और 2 पंजे 10, तो बी इंटू 5/20 आ जाएगा, ठीक है बी इक्वल टू 5/20। आगे देखिए, वेट वेट, ठीक है तो यहां से हम इसको ये भी कट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बाई 10 इक्वल टू बी बाई 4 मिल जाएगा, बी को हम इस तरफ ले आते हैं और 10 को उधर, तो ए बाई बी इक्वल टू 10/4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू 4 है, ठीक है ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 4। अब इसने पूछा कि ए की वैल्यू बी से कितनी ज़्यादा है, तो पहले तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, कम पूछे ज़्यादा पूछे जिससे भी पूछे डिफरेंस आ गया अच्छी। अब इसने ए की वैल्यू बी से पूछा है तो बी वाली वैल्यू को हम नीचे रख देंगे, कम पूछे बी से या बी से ज़्यादा पूछे तो चार बी की वैल्यू नीचे आ जाएगी और गुना में कर दीजिए 100, हो जाएगा 25। 25 छिक देखिए, 6 पंजे 30 की 0, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, तो 150% जो है ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 4 पंखे और 9 घड़ियाँ इतने रुपये में खरीदता है, यदि वह पंखों को 10% लाभ और घड़ियों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे इतने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, तो 2 पंखे और 3 घड़ियों का कुल कितना क्रय मूल्य है। देखिए हम मान लेते हैं कि एक पंखे और एक घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो x और y मान लिया हमने, ठीक है एक पंखे और एक घड़ी का जो है, पंखे का मान लीजिए x मान लिया और घड़ी का मान लिया वाई, तो अब 4 पंखों की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि 4x और 9 घड़ियाँ मीन्स 9y और दोनों मिला के कितने में खरीद रहा है, 26800 में खरीद रहा है, 26800 में, तो ये फर्स्ट इक्वेशन डाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि वह पंखों को 10% लाभ पे, तो 4x का 10% लाभ और घड़ियों को 20% लाभ पर, तो 9y का 20% और दोनों को जो बेच रहा है वो, तो उसे कुल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 3760 प्राप्त हो रहा है, ठीक है तो बस इसको सॉल्व करना है। अब हमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 0 से 0 गई, 2 पंजे 10 गया, तो ये हो जाएगा 4/10x और इसको भी 9/10 लिखो ताकि एलसीएम में थोड़ी वो ना हो, तो 9/10 रखते हैं इसको कट करने की बजाय, तो ये 18 हो जाएगा, सॉरी 18/10y इक्वल टू में 26800 में से नहीं सॉरी 3760 सेम रहेगा अभी, ठीक है इतना आ जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं तो ये 10 ही आएगा, तो 4x प्लस 18y 10 उधर चला जाएगा, तो ये 37600 हो जाएगा, ठीक है 37600 हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये रही एक इक्वेशन ये रही, तो अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 4x एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो 4x से 4x कैंसिल, 18y में से 9y जाएंगे तो 9y बच जाएंगे, और 37600 में से जब 26800 को माइनस करेंगे तो 10800 में मिल जाएगा, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 1200 आ गई। अब जब हमें y की वैल्यू पता है तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, या 2 में रख लो या फर्स्ट में रख लो, जब हम y की वैल्यू रखेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4000 आ जाएगी। y मिल गया x मिल गया, पूछा क्या है देखिए, 2 पंखे और 3 घड़ियों का, एक एक लिया था हमने कि x को मतलब एक पंखे का जो था x माना था और एक घड़ी का y माना था, तो हमें अगर एक एक का पता है तो हम दो पंखे और तीन घड़ियों का निकाल सकते हैं। तो देखिए ये था पंखा, एक पंखे का अगर 4000 है तो 2 पंखे का कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, अगर एक घड़ी का मूल्य 1200 है तो 3 घड़ियों का कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, टोटल पूछा इन्होंने ऐड कर दीजिए 6 और 11 600 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है तो कंप्लीट करना पड़ेगा, नो शॉर्ट ट्रिक,
कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी यहाँ। अगला देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में 5:3 का अनुपात है। देखिए बिल्कुल वही लिखते हैं, अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, मार्क्ड प्राइस। तो एमपी और सीपी में रेशो दे दिया 5:3, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि उसके अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में एमपी और एसपी का रेशो दे दिया 9:5। ये दो टर्म दी हैं, लाभ हानि प्रतिशत बताना है। देखिए लाभ हानि के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हम यहाँ से सिर्फ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे फोकस करते हैं, एमपी को हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एमपी यहाँ पे 5:3 है, रेशो में होते हैं तो मैं क्या कहती हूँ हमेशा कि एक्स मान लीजिए, 5x और 3x हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एमपी एसपी इस तरीके से दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एमपी बाय एसपी इक्वल टू है 9/5 के। हमें सिर्फ एसपी की वैल्यू चाहिए, हमें एमपी चाहिए ही नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एसपी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5 MP/9 ये आ गया। एस एमपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5x है। तो हम यहाँ पर एसपी में ये वैल्यू डाल सकते हैं, 5/9 × 5x। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 25x/9 आ गई, और सीपी की कितनी थी, 3x थी। और लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, इनके डिफरेंस पे, और नीचे आ जाएगा सीपी 3x और ऊपर हो जाएगा 25/9x − 3x × 100, ठीक है, कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो ऊपर बचेगा −2x/9/3x हो जाएगा, ठीक है, × 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा −2x/27x × 100। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स जो था कैंसिल हो गया, तो ये आ गया −200/27। सबसे पहली बात तो इस माइनस का मतलब है कि उसे हानि हो रही है, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर मिलेगा हमें 7 = 11/27, वो भी माइनस का, तो इतने की उसे हानि हो रही है। देखिए लाभ में भी आंसर है और हानि में भी, तो माइनस में अगर आंसर आए तो उसे हानि होगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 360 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करनी है। प्रतिदिन वह अपनी गंतव्य पर शाम के 5 बजे पहुंच जाता है। एक दिन उसने 2 घंटे की देरी से चलना आरंभ किया लेकिन फिर भी शाम के 5 बजे पहुंच गया, तो उसने अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। ओके, तो बिल्कुल स्टेप वाइज चलते, देखिए 360 किलोमीटर मतलब हमारे पास डिस्टेंस आ गया 360 किलोमीटर। आगे कह रहा है 30 किलोमीटर/घंटा की चाल से, तो हमें स्पीड भी मिल गई 30 किलोमीटर/आवर। तो अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस है, स्पीड है, तो ऑब्वियस हम टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 360/30 आ जाएगा। तो टाइम यहां से कितना निकल गया, 12 घंटे निकल गया, 12 आवर। तो देखिए 12 घंटे लगते हैं उसे हर रोज, और वो कब कितने बजे पहुंच जाता है, 5 बजे। अब उसने कहा कि वो 2 घंटे की देरी से चलना आरंभ किया लेकिन फिर भी शाम के 5 बजे पहुंच गया, तो उस दिन उसने 12 घंटे की बजाय कितने घंटे में की वो दूरी तय, 10 घंटे में की, दूरी उतनी ही थी 360। अब हमें चाल में वृद्धि निकालनी, तो पहले हम स्पीड पता होगी तभी वृद्धि निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 360 है और टाइम कितना है 10 घंटे है, तो स्पीड कितनी हुई उसकी 36 किलोमीटर/आवर। तो इसने पूछा कि उसने अपनी चाल में वृद्धि कितनी की, पहले 30 थी उसकी चाल अब 36 है, तो वृद्धि हमें बतानी है। तो 6 तो दोनों का डिफरेंस आ गया, अब किससे बतानी वृद्धि, पहले वाले से, तो 30 नीचे आ जाएगा, गुना में 100 कर दीजिए, 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10, 0। तो उसने 20% जो थी अपनी चाल को बढ़ाया था, वृद्धि की थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक नाव धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तय करती है। आगे कह रहा है धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी और अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी एक घंटा 5 मिनट में तय करती है, तो नाव की शांत जल में चाल क्या है। ओके, तो देखिए इसको करने का सिर्फ, देखिए हम क्या मान लेते हैं कि धारा के प्रतिकूल हम चाल ले लेते हैं एक्स,
और धारा के अनुकूल ले लेते हैं वाई, ठीक है, ये प्रतिकूल में, ये अनुकूल में ले ली हमने। अब कह रहा है नाव धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी, ये हमने क्या ली है, चाल ली है, तो हमें वही बताना है। और टाइम दोनों को मिलाकर कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास चाल भी है और डिस्टेंस भी है, तो 4/x प्रतिकूल ले रहे हैं हम प्लस 6 किलोमीटर की दूरी अनुकूल में, तो 6/y कितने घंटे में, टाइम लिख लेते हैं हम 1 घंटे में, ठीक है, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, 4y + 6x, क्योंकि हम इसके यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो, और एक्स वाई उधर चला जाएगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। इसको जो है हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो बनेगी वो बड़ी बनेगी, तो हम इसे 8 से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब तीनों में ही 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 × 4 = 32y, 8 × 6 = 48x और 8xy, इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आगे जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। अगली एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आगे निकल के, दूसरी इक्वेशन और बनाते हैं। दूसरी में कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 6/x और धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 5 मिनट में, तो 1 घंटा 5 मिनट है ना, तो कैसे लिखेंगे, 1/5/60 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कट कर सकते हैं आप, 13/12 आ जाएगा ये। इसको सोल्व करेंगे तो 6y + 4x = 13/12xy, ठीक है। इस 12 को हटाने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 72y, 12 × 48x और ये हो जाएगा 13xy, ठीक है। तो अब निकालते हैं, देखिए एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो दोनों में एक्स वाई गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो 72y में से जब हम 32y को घटाएंगे तो कितना आएगा, 40y हो जाएगा। सेम 48x है, इसीलिए किया क्योंकि अगर हम इसको सिंपल ऐसे रखते 6x तो ये इक्वल ही नहीं आती, ठीक है, क्या नहीं आती, ये दोनों में से कोई इक्वल नहीं होता, तो हम कैसे जो है एक उसको निकाल पाते, ठीक है, तो इसीलिए हमने जो है एक उसको सेम बना लिया था, तो वहाँ पर इसीलिए हमने 8 से डिवाइड किया। ज़रूरी नहीं आप जो है x को ही सेम बनाए, y वाले को भी आप जो है सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो 48x से 48x हमारा कैंसिल हो जाएगा और 13 में से 8 जाएंगे तो 5xy जो है यहाँ पे बच जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, y जो है कैंसिल ही हो जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8, x की वैल्यू 8 आ गई है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो इसे, किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप रखेंगे, मान लीजिए हम 32y वाले में रख रहे हैं, तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 12। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इसने पूछा नाव की शांत जल में चाल क्या हो जाएगी, तो शांत जल में चाल होती है x + y / 2, तो 12 और 8 = 20/2, तो 10 किलोमीटर/आवर। शांत जल में निकालने, तो धारा के प्रतिकूल प्लस अनुकूल को जोड़कर उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, शांत जल में निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, किसी काम को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, और शुरुआत जो है वो बी करता है, ये ए अकेला उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, यदि काम 11.5 से 1/2 दिन में पूरा हुआ तो बी अकेला उस काम को, देखिए क्या है, काम है, ठीक है, अगर अकेला ए करने लगे तो वो तो 48 दिन में पूरा करता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो वो काम 11.5 से 1/3, और ये काम ऐसा नहीं है कि ए और बी दोनों एक साथ लगे हुए, इसमें क्या कहा कि बी पहले दिन काम करता है, ए उससे अगले दिन काम करता है दूसरे दिन, फिर बी की बारी आती है, फिर ए की बारी आती है, फिर बी की बारी आती है, तो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ओके, और ये सारा काम जो है 11.5 से 1/3 दिन में हो जाता है, तो जब हम बी से शुरुआत कर रहे हैं तो बी जो है टोटल 6 दिन काम करता है इसमें, और ए जो है वो 5 दिन और 1/3 जो ये बच गया
इसमें काम करता है, 5 से 1/3 दिन का वो टाइम लेता है। तो यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे कि बीच 6 दिन कर रहा है काम, इस जब वो मिलके कर रहे हैं एक 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 करके कर रहा है, और ए जो है वो 5 से 1/3 कर रहा है। अब उसने कहा कि ए पूरा काम 48 दिन में पूरा कर लेता है। अब आप कह सकते हैं कि जब पूरा काम 48 दिन में कर सकता है तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/48 ही तो करेगा। तो 5 से 1/3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/48 × 16/3, 5 × 3 = 16/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/9, यानी कि 5 से 1/3 दिन में उसने 1/9 काम किया, तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, 1 - 1/9, तो 8/9 जो है उसका रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। ठीक है, 8/9 अगर रिमेनिंग वर्क है, और ये 8/9 किसने किया, 6 ने, मतलब बी ने किया है ये काम। ठीक है, तो 6 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, 8/9 हो जाएगा। एक दिन में किया हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 8/9 × 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक दिन का कार्य निकालेंगे बी का, एक दिन का कार्य इंटू में 1/6, तो ये हो जाएगा 4/27, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो 4/27 आ जाएगा। तो बी पूरा कार्य कितने में कर लेगा, 27/4। इसको उलट देंगे क्योंकि ये एक दिन का था, तो वो पूरा काम कितने में हो जाएगा, 27/4 दिन में। और यहां से निकालेंगे हम 4 × 6 = 24, 3 बचेगा, 6 सही 3/4, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रुपीज इतने की एक राशि 2 भागों ए बी में इस प्रकार बांटी गई कि 8 वर्ष पश्चात ए का मिश्र धन और 10 वर्ष के पश्चात बी का मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 5% वार्षिक दर से बराबर है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो ए बी का अंतर कितना है। देखिए, ए और बी हैं, दोनों में कितने रुपए बांटे गए हैं, मिला के 50,460 बांटे गए हैं। 8 वर्ष पश्चात ए का मिश्र धन, ए के मिश्र धन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो कितना हो जाएगा, ए मतलब जो मूलधन था 1+R/100, और यहां पर क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, टाइम आ जाएगा। सेम बी का भी ऐसा ही होगा, 1+R/100 और टी। तो देखिए, ए में 10 वर्ष लगे हैं, ओके एक मिनट, 8 वर्ष पश्चात और बी का 10 वर्ष पश्चात, और दर जो है वो दोनों में सेम है, तो ए को सेम रखो, प्लस रेट जो था वो सेम था 5/100, और इसके 8 साल में और इसका 10 साल में, 1+5/100, और यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको आगे जो है हमें सॉल्व करना है, तो 5 × 2 = 10, 0, ए प्लस 21/20 इंटू में 8 हो जाएगा, और ये बी 5 × 2 = 10, 0, 20 × 20 और 21 / 20, और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो 8 इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितनी पावर बचेंगी, 2 ही तो पावर बच जाएंगी सिर्फ, तो ए इक्वल टू बी क्या आ जाएगा, 441/400 कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, 400 को इधर ले आते हैं हम, तो ये बन जाएगा 400 A = 441 B। ठीक है, अब B में हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहाँ से B की वैल्यू ये रही, देखिए B की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल दें तो ये कितनी आ जाएगी, 50,460 माइनस A आ सकती है, तो इस वैल्यू को हम इस B में रख देते हैं, 441 50,460 माइनस ए, और फिर इसको जो है आगे हम जो है सॉल्व करते चलेंगे, तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर 26,460 आ गई तो हम जो है बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्यों, अगर ए की 26,460 है तो टोटल हमारे कितने थे, 50,460, तो उसमें से जो है इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे माइनस करके, फिर अंतर निकालना है उनका, तो 2460 हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा ना कि ब्याज वर्ष ए और बी का अंतर क्या है, ए की वैल्यू पता होगी बी की, तो उनका जो अंतर आएगा वो 2460 निकल जाएगा, लेकिन तरीका जो है यही होगा। ठीक है, चलिए एक देखिए, एक मैदान समबाहु त्रिभुजाकार है, समबाहु का मतलब होता है सारी भुजाएँ जो हैं समबाहु में इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर एक ए है
तो बाकी दोनों भी ए ही होंगे। मैदान के अंदर किसी एक बिंदु से इसके भुजाओं की न्यूनतम दूरियां 16 मीटर, 20 मीटर और 22 मीटर हैं। तो समबाहु त्रिभुज में कभी भी अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो इसके लंब पर होती है। तो इसमें ना कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, न्यूनतम की बात हो रही है तो यहाँ पर ये लंब होते हैं, ये यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर और इस पॉइंट से ये यहाँ पर, तो इनकी जो है लंबाई दी है। अब इनमें से कौन सी मान लो, देखिए इसको मान लेते हैं हम ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये 90-90 के कोण बन रहे हैं, ये एक ओ पॉइंट है, यहाँ पर आर पॉइंट है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है। तो किसी में से इनमें से किसी को भी 16 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर जो है हम मान लेते हैं कि ओके, ये बाहर वाली नहीं दी है, ये अंदर वाली दी गई है कि बी आर दिया है, ए क्यू दिया और सी पी दिया है, ये 16 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर। तो ये मैदान का क्षेत्रफल, अब मैदान का क्षेत्रफल बताना है तो ऑब्वियस हमें ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये लंब दिया हो ना इसमें अंदर, तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगी तीन ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ए क्यू सी का, ए क्यू सी का, ओके सॉरी एक मिनट, नहीं सॉरी ए ओ बी, ए ओ सी और बी ओ सी, यहाँ पे बनेंगे ए ओ बी, ए ओ सी और बी ओ सी, इनके बराबर आएगा ए बी सी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है पहले तो वही पता होना चाहिए, तो वो होता है रूट 3/4 ए स्केयर। अगर हम यहाँ पे देखें एंगल सॉरी ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये वाली ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा ठीक है, तो इनका भी जो है अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 16x प्लस 1/2 इंटू 20x प्लस 1/2 इंटू 22x। ओके हमने जो है भुजाओं की लंबाई कितनी मान ली, x मान ली, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम चल रहे हैं, तो ये रूट 3/4 एक्स स्केयर जो इधर रहेगा, x मान लेते हैं सॉरी, तो और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से 29x मिलेगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास कितना बचेगा 29 इंटू 4/√3 बनेगा। ठीक है फिर इसको हम सोल्व करेंगे, रूट थ्री की वैल्यू वैसे लिख लीजिए, तो रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, या फिर इसको जो है ओके रूट थ्री की वैल्यू ही निकल लीजिए, 1.732 होती है, तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1942 फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे लगभग में पूछा था, पॉइंट में आएगा क्वेश्चन 42.26, तो लगभग में 42 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि x इक्वल टू दिस है तो x में इकाई का अंक क्या है, ये हर एक पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको निकालने के ना कुछ रूल होते हैं, तो वो तो पूरा कंप्लीट वीडियो ही बनानी पड़ेगी अगर ये सीखना है तो इसमें सिर्फ मैं इसका बता देती हूँ, अगर कभी भी आपको दिखे लास्ट में, यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे 3 है, अगर कभी भी 3 और 7 इकाई का अंक है, अगर 7 3 इकाई का अंक है और तो संख्या की घात जो है अगर ये 4 की गुणज हो, मतलब 4 से पूरी तरीके से भाग हो जाती है, तो इसको हम एक लेते हैं। अब 7 है, अब देखते हैं 492 क्या पूरा डिवाइड हो रहा है इससे, तो 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो इकाई की अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, चाहे ये पावर कितनी भी बड़ी होती 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी भाग हो रही है। फिर हम इसमें देखते हैं कि हाँ 3 है तो हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं इसकी पावर को, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ठीक है नहीं हो रही पूरी डिवाइड, तो हम इसके शेषफल को मानते हैं शेषफल, और इकाई का अंक लेकर उसकी पावर लगा देते हैं, तो ये 3e⁻³ आ जाएगी इंटू इंटू, यहाँ पर ये 4 का रूल क्या कहता है, देखिए अगर यहाँ पे लास्ट में 4 है, अगर 248 है लास्ट में इकाई का अंक, तो संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 6 माना जाएगा। 231 देखिए 4 तो है नहीं इसमें, लेकिन यह क्या है, 4 की गुणज है, 4 5 20, 4 7 28 नहीं, फिर से क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है 29 30 और 31 ओके 3 बच रहा है, 3 आ रहा है शेष, तो ये क्या हो जाएगी इकाई का अंक, यहाँ पे 4 था तो 4 की पावर 3 हो जाएगी, तो इस तरीके से ये निकलेगा। अब देखिए 4 चौक 16 चौक 64,
तीन तीन होती है 27, तो यहाँ पर अगर हम इकाई का अंक देखेंगे तो 7 × 28 8 आएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम मैं वो वीडियो बनाऊं जिसमें इकाई का अंक पता चले कि कैसे जो है निकाला जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो स्पेशल वीडियो उसकी जो है अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का एक ठोस आयताकार ब्लॉक है, मींस घना भी कह सकते हैं, जिसमें लंबाई दी है, लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है और उसकी हाइट दी है, उसको पिघलाकर एक लंबवर्तीय बेलन के रूप में डाला जाता है, तो जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें बेलन का, मतलब सिलेंडर का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले है ठोस आयताकार ब्लॉक, तो घनाव का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एल बी एच है, तो घनाव का जो क्षेत्रफल होता है उसी को पिघला कर, घनाव को पिघला कर क्या बनाया गया, बेलन, तो इक्वल हो जाएगा बेलन के क्षेत्रफल के, ठीक है, तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो ये हो जाएगा 16 × 11 × 7। आगे है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हमारे पास 22/7 है, देखिए बाई आर स्केर एच होता है, आर है नहीं हमें हमारे पास, तो आर ही हम निकालनी है, एच हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ से जो है अब हम आई आर स्केर को निकालेंगे, तो 11 × 22 हो जाएगा ये, और 8 × 16 हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आर स्केर हमारे पास 49 आएगा, तो रेडियस हमारे पास 7 आ जाएगी, 7 रेडियस आ गया। अब इसने पूछा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर फॉर्मूला पता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और r प्लस में h, अब हमारे पास r भी है h भी है, तो रख दीजिए इसमें 22/7, रेडियस है 7, r प्लस h मतलब r जो है 7 है और हाइट जो है 8 है, तो ये 15 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसर, 22 × 44, 44 × 15 कर दीजिए, 660 सेंटीमीटर स्केयर जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 घोल हैं जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात दे दिया, 2:3, 3:3 मान लीजिए, देखिए ए बी सी मान लेते हैं हम, ए बी सी, और इसमें स्पिरिट और वाटर, ये ध्यान रखिए कि पहले क्या कौन सा दिया है, 2:3, 3:4 और 4:5, फिर कह रहा है उनको 5:3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब ए में से 5 मिलीलीटर, बी में से 3 और सी में से 2 मिलीलीटर, या कह लीजिए कि इस अनुपात में मिला जाता है 5 ml, 3 ml और 2 ml, ए में से, बी में से और सी में से। इस प्रकार प्राप्त घोल के 1.26 लीटर घोल में 318 मिलीलीटर पानी मिला गया, तो अंतिम घोल में स्पिरिट और पानी का अनुपात, तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि 5 ml 3 ml में जो है कितना पानी है कितना नहीं है, ठीक है, तो तीनों घोलों में हम पानी की मात्रा निकालेंगे, तो टोटल देखिए कितना ml हो गया, ये 5 और 3 8 2 10 ml हो जाएगा, ये 10 ml हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें पानी की मात्रा कितनी है, 3 है, किसमें से 5 में से, इसमें कितनी है 4 है, 7 में से, और इसमें कितनी है 5 है, पानी की मात्रा 9 में से, ठीक है, फिर जो ये है 5 ml 3 ml, इन्हें इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा और ये 2 से हो जाएगा, इनको कट करेंगे तो 3 + 12/7 + 10/9, और ये बराबर दे रखा है, सॉरी ये बराबर आ जाएगा 367/63 के, ठीक है, तो देखिए कितना आया, 10 ml में ये निकल गई पानी की मात्रा, 10 ml में पानी कितना आ गया 367 ml आ गया, जब 10 ml में 367 by 63 है, तो 1 ml में निकाल सकते हैं हम, 1 ml में निकालेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, हमें चाहिए 1.26 लीटर, तो इसे मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1260 ml हो जाएगा ये, तो गुना में 1260 कर दीजिए, तो यहाँ से 734 ml आ जाएगा, ठीक है, तो अब हमने निकाल लिया कि 1260 जो मिलीलीटर का घोल है उसमें पानी की मात्रा 734 है, जब उसमें पानी की मात्रा 734 है वाटर की, तो हम स्पिरिट की भी तो निकाल सकते हैं इसको माइनस करके, तो माइनस हमने जब किया तो 526 जो है उसमें कितनी आ गई, स्पिरिट की मात्रा आ गई। अब इसने बोला कि उस घोल में जो है 318 मिलीलीटर पानी और मिला दिया, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया पानी,
पहले 734 था, उसमें 318 और मिला दिया, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 1052 मिलीलीटर हो जाएगा। अब पूछा इसने रेशो, तो 526 जो स्पिरिट था और 1052 मिलीलीटर वाटर था, तो इनमें रेशो निकाल देंगे तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है, एक जो है स्पिरिट का और 2 वाटर का, तो इस तरीके से ये निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, शारणी का क्वेश्चन था, टोटल विद्यार्थी दिए गए हैं, ये जो है लड़कों की संख्या है, ए स्कूल में जैसे 300 विद्यार्थी, बी में 500, सी में 900 और डी में 1200, 680 और 850। क्वेश्चन पहला पूछा इसने कि कितने विद्यालयों में लड़कों की संख्या सभी विद्यालयों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या से अधिक है। अब देखिए ये तो प्रतिशतता है, यहाँ पर हम देखें टोटल लड़के दिए गए हैं, तो हम यहाँ से अगर इनको जोड़ ले तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी, लड़कों की संख्या आ गई 4450। अब टोटल विद्यार्थी इतने, अब इनमें से अगर लड़कों की संख्या अगर हम माइनस कर देंगे, ये बॉयज़ आ गए, तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 3550 आ जाएगी, ठीक है, 3550 आ जाएगी। तो अब हम यहाँ से लड़कियों का औसत निकाल सकते हैं, देखिए कितने स्कूल हैं, 6 स्कूल हैं, टोटल लड़कियाँ इतनी है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, औसत आ गया 591.6। तो देखिए 591.6 से ज्यादा संख्या किन स्कूलों में है, ठीक है, तो देखिए 591 से ज्यादा 900 हो गया, 1220 हो गया, 680, तो 4 स्कूलों में जो है लड़कियों की औसत संख्या से ज्यादा है, तो 4 यहां पे सही हो जाएगा, सिंपल था। फिर ऐसे कह रहा है सभी 6 विद्यालयों में कुल मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखिए कुल लड़कियां कितनी है, 3550 है, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 8000 हैं, इसका प्रतिशत निकालना है तो गुना कर दीजिए 1000 से, ठीक है, और तो ये आ जाएगा 44 सही, 3/8%, ओके। सो आएगा वैसे वहां पे 1000 की जगह 100 आएगा, सॉरी 100 होगा, मैंने 1000 लगा दिया, 100 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा 44 से 3/8। चलिए नेक्स्ट देखिए, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिव इन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन, आई नीड टू डैश व्हाट प्रिवेंटिव मेजर आर अवेलेबल टू अस एट दिस स्टेज ऑफ द डिजीज, लुक डाउन, लुक अप, लुक फॉरवर्ड टू या लुक अप टू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई नीड टू लुक अप, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लुक अप, I need to look up what preventive measures are available to us at this stage of the disease. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, डू यू नो दैट समोसाज, कबाब एंड पुलाव केम टू इंडिया फ्रॉम द मिडल ईस्ट, आस्क्ड एनी फ्रेंड यास्मीन, बट द यूज ऑफ इंडियन स्पाइसेस चेंज द ओरिजिनल टेस्ट। इसका जो है हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है नरेशन की, तो ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, या समोसा कबाब एंड पुलाव ऑल हाउ कम टू, या फिर माई फ्रेंड यास्मीन आस्क्ड मी आएगा, या फिर टोल्ड मी आएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, माई फ्रेंड यास्मीन आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट समोसा कबाब एंड पुलाव केम टू इंडिया फ्रॉम द मिडल ईस्ट, सी फर्दर एडिड दैट द यूज ऑफ इंडियन स्पाइसेस चेंज द ओरिजिनल टेस्ट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस, शिवानी डैश नो सूनर डैश द बुक देन हर फ्रेंड डैश हर, हैड ओपन कॉल, हैविंग ओपनिंग कॉलिंग, हैज फाउंड कॉल, या हैज ओपन कॉल। तो देखिए, शिवानी हैड नो सूनर ओपनड द बुक देन हर फ्रेंड कॉल्ड हर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक, I dash to be rude either to you or to Amit. Was not want, have been wanting, am not wanting या do not want. तो यहाँ पे करेक्ट क्या जाएगा? I do not want to be rude either to you or to Amit. D ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पैसिव वॉइस बताना था तो ये बहुत बड़े बड़े पूछे गए थे। In India, some people consider keeping the Mahabharata in the house in a ship. इन एसिपिशियस बिकॉज इट डील्स विद ब्लड शेड एंड द ब्रेकअप ऑफ ए फैमिली। तो पैसिव बताना है इसका,
देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ना वो ये है, इन इंडिया द महाभारत इज कंसिडर्ड इन ऑस्पिशियस बिकॉज इट डील्स विद ब्लड शेड एंड द ब्रेकअप ऑफ ए फैमिली। ओके, तो मेन चीज़ यही है कि नरेशन भी पढ़ लीजिए एक बार और वॉइस भी, पूछा जाएगा यहाँ से। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंबाइन द सेंटेंस इन टू ए सिंगल सेंटेंस। क्वेश्चन है, द महाभारत हैज ए जैन वर्जन, इन दिस वर्जन द बैटल इज बिटवीन कृष्णा ऑफ द्वारका एंड जरासंध द एम्परर ऑफ मगधा, द बैटल इज नॉट बिटवीन द पांडवाज एंड द कौरवाज। तो यहां पे जो सही बनेगा वो बन जाएगा, इन द जैन वर्जन ऑफ महाभारत द बैटल इज नॉट बिटवीन द पांडवाज एंड द कौरवाज बट बिटवीन कृष्णा ऑफ द्वारका एंड जरासंध द एम्परर ऑफ मगधा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिवन ब्लो इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, बेबी गिवन सॉलिड फूड अलॉन्ग विद मिल्क फ्रॉम 3 months ऑफ एज स्लीप बेस्ट देन दोज हु आर स्लोली फेड ऑन मिल्क काइंड रिसर्च स्टडी। तो इनमें से जो है हमें एरर बताने की किस पार्ट में है, 67 में। तो यहाँ पे है स्लीप बेस्ट देन दोज, इसमें जो है एरर है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन दैट रिप्रेजेंट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiom. आई फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर when माई फ्रेंड डिस्कस लेटेस्ट फैशन इन चाइनीज फूड। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसकी जो है idiom का मीनिंग बताना है क्या होगा। तो टू फील अनकंफर्टेबल, सी ऑप्शन। From the given option, the word that can substitute the underlined words in the sentence given below. We really don't understand the pain of those who give to walk miles every day to get safe drinking water. Underlined word का जो है बताना है, जो इसकी जगह पे आ सकता है, dribble, potable, reliable या edible. Safe drinking water तो हो जाएगा potable. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिटेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, बिलीव्ड, बिम्यूज्ड, बेस्टो या बिगनिंग। 70 में हमें जो है बताना है राइट स्पेलिंग, मतलब इसमें से जो इनकरेक्ट है तो वो है बिगनिंग, क्योंकि बिगनिंग की जो स्पेलिंग होती है उसमें डबल एन आता है, ये इसमें सिंगल दिया हुआ है तो इसीलिए डी हो जाएगा। अपोजिट बताना है, दैट मीन्स अपोजिट ऑफ टर्मिनेट, टर्मिनेट का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस। ठीक है, चूज द ओके एक मिनट, चूज द पैसेज दैट इज करेक्टली पंचुएटेड। इंडियंस प्रेफर रीटेलिंग द स्टोरीज ऑफ कृष्णा एंड चाइल्डहुड एंड यूथ विद हिज मदर यशोदा एंड द गोपिकास। इंडियन प्रेफर रीटेलिंग स्टोरीज ऑफ कृष्णा चाइल्डहुड एंड यूथ विद हिज मदर यशोदा एंड द गोपिकास। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट कृष्णा चाइल्ड हुड हिज मदर यशोदा एंड द गोपिकास। या फिर इंडियंस प्रेफर री टेलिंग द स्टोरी ऑफ कृष्णा हिज मदर यशोदा एंड द गोपिकास। तो इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस वो बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन प्रेफर री टेलिंग स्टोरी ऑफ कृष्णा चाइल्ड हुड एंड यूथ विद हिज मदर यशोदा एंड द गोपिकास। ठीक है, Given below is an incorrect sentence. From the given option, select the part that has an error. Have you ever noticed how tired my look sometime? तो इसमें error बतानी है कि किस sentence में जो है error है। तो देखिए, have you ever noticed how tired my looks sometimes? तो sometimes आना है, लुक्स आर आएगा, सॉरी लुक्स समटाइम की जगह लुक्स आर यूज होगा, तो लुक्स समटाइम में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, आई एम वेरी हैंग्री, गिव मी डैश टू ईट बिफोर लंच टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट। हैव डैश बनाना देन, हैव ए बनाना देन, देर आर क्वाइट ए फ्यू ऑन द डाइनिंग टेबल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट वुड मीन द सेम एज एमिएबल। एमिएबल किया जो सेम मीनिंग हो, सिनोनिम हो, एग्रेसिव, हॉस्टाइल, गुड नेचर या अनफ्रेंडली। राइट आंसर हो जाएगा गुड नेचर, एमिएबल। ठीक है, चलिए आगे, जनरल इंडिया,
क्वेश्चन जो था ये पैसेज से आया, तो ये हिंदी में भी पैसेज आया है 5 नंबर का और इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश वाला मैंने कट कर दिया था, हिंदी का देख लीजिए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ एक तरफ भौतिक समृद्धि अपनी ऊंचाई पर है तो दूसरी तरफ चारित्रिक पतन की गहराई है। आधुनिकीकरण में उलझा मानव सफलता की नित नई परिभाषाएं खोजता और अपनी अंतहीन इच्छाओं के रेगिस्तान में भटकता रहता है। ठीक है, तो चारित्रिक पतन की गहराई मतलब इसके पतन का कारण क्या है? अंतहीन इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। ऐसे समय में सच्ची सफलता और सुख शांति की प्यास से व्याकुल व्यक्ति अनेक मानसिक रोगों का शिकार बनता जा रहा है। हम में से कितने लोगों को इस बात का ज्ञान है कि जीवन में सफलता प्राप्त करना और सफल जीवन जीना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं कि जिसने अपने जीवन में साधारण कामनाओं को हासिल कर लिया वह पूर्णतः संतुष्ट और प्रसन्न भी हो। अतः हमें गंभीरतापूर्वक इस बात को समझना चाहिए कि इच्छित फल को प्राप्त कर लेना ही सफलता नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संचयन नहीं करेंगे तब तक यथार्थ सफलता पाना हमारे लिए मुश्किल ही है, अपितु असंभव कार्य हो जाएगा, क्योंकि बिना मूल्यों के प्राप्त सफलता केवल क्षणभंगुर सुख के समान रहती है। कुछ निराशावादी लोगों का कहना है कि हम सफल नहीं हो सकते क्योंकि हमारी तकदीर या परिस्थितियां ऐसी हैं। यदि हम अपना ध्येय निश्चित करके उसे अपने में बिठा ले तो फिर सफलता स्वयं हमारी ओर चल कर आएगी। सफल होना हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु यदि हम अपनी विफलताओं के बारे में भी सोचते रहेंगे तो सफलता को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। अतः विफलताओं की चिंता न करें क्योंकि वो तो हमारे जीवन का सौंदर्य और संघर्ष जीवन का काव्य है। कई बार प्रथम आघात में पत्थर नहीं टूटता, उसे तोड़ने के लिए आघात करने पड़ते, इसलिए सदैव अपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कहा भी गया है कि जीवन में सकारात्मक कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन है, परिस्थितियों को असफलता का कारण कौन मानते हैं? निराशावादी लोग, तो निराश लोग जो है सही हो जाएगा यहां पे। दृष्ट निश्चय वाले लोग क्या पा लेते हैं? सफलता पा लेते हैं। चारित्रिक पतन का कारण क्या है? हमारी अंतहीन इच्छाएं। पत्थर तोड़ने के लिए कई आघात करने पड़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें निरंतर जो है परिश्रम करती रहना पड़ता है। यथार्थ सफलता मिलती है नैतिक मूल्यों को अपनाने से। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, जो हमेशा बहुवचन में, देखिए सब्जियां भी यूज करते हैं बहुवचन में, वेदों भी यूज होता है और गीतों भी यूज होता है, लेकिन दर्शनों तो नहीं यूज करते, तो बहुवचन में सी हो जाएगा। स्त्रीलिंग बताना है, मैंने कहा मेरा मेरी लगा के जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग बता लेते हैं, तो मेरी बात होता है ना, ठीक है मेरी बात, तो ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। सद्धर्म शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो है क्रमधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। इस हाथ दे उस हाथ ले लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा लेने का देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भों चमक उलझन या बहाव, तो मेरी उलझन होता है। ठीक है, बहाव में मेरा बहाव उस तरफ था या नदी का बहाव जो था उस तरफ था, तो मेरा मेरी अगर आप लगा के देखेंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो मेरी सॉरी इसमें पुल्लिंग पूछा है, सॉरी सॉरी, मेरी भों मेरी उलझन हो सकता है, तो मेरा बहाव, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि पुल्लिंग पूछा है स्त्रीलिंग नहीं। ठीक, तो 90 का डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य है। उसे पैसे निकालने चाहिए, फलों का रस मेरे को नहीं पीना, मेरे को इसका उत्तर नहीं आता, आज हमारे घर बहुत मेहमान आएंगे, तो यहाँ पे जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है, मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, तो मित्र का पर्यायवाची मीत भी होता है, सखा भी होता है और दोस्त भी होता है, सहपाठी नहीं होता है। सहपाठी कौन होता है? जो साथ में पढ़ता है। ठीक है, माली शब्द का बहुवचन, मालिये मालिया मालियों या माली, तो माली का बहुवचन माली ही रहता है, बी। दुराचार शब्द का विलोम क्या है? तो दुराचार का विलोम हो जाएगा सदाचार। भाववाचक शब्द की पहचान करें, नुकीला शूर घर या क्रोध, तो इसमें भाव किस में है? क्रोध में है, क्रोध प्यार ये सारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। नेक्स्ट है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत्त जमा जवल, आधा जय आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बांसो उछलना मुहावरे का अर्थ होता है, पागल हो जाना, प्रसन्न होना, बांस की सहायता से ऊपर उठना या उछल कर चढ़ना, तो बांसो उछलना मींस प्रसन्न होना, बी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करें, तत्सम होते संस्कृत के शब्द, तो मनुष्य सांस सात और ब्या, तो देखिए सात को संस्कृत में शब्द कहते हैं, तो ये हिंदी का हो गया, ब्या भी जो है तद्भव में आएगा, सांस जो है ये भी तत्सम में नहीं आएगा, तो सांस को क्योंकि श्वास बोला जाता है संस्कृत में, तो मनुष्य यहाँ पे तत्सम हो जाएगा।
ठीक है, जिसमें संदेह न हो असंदिग्ध, संदेह हो तो वो संदिग्ध हो जाता है। इसमें तद्भव पूछा, हिंदी का शब्द बताना है, तो हिंदी का शब्द देखिए मित्र, सूत्र और साख, ये तद उसमें चले जाएंगे तत्सम में। तो यहाँ पे मुँह जो है वो जो है तद्भव, हिंदी का शब्द है, क्योंकि मुँह को संस्कृत में मुख बोला जाता है, तो तत्सम हो जाएगा मुख। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें हमने TGT का पेपर देखा है, और भी पेपर देखेंगे। तो अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है वो आती है मैथ, निकालने मुश्किल होते आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो पूरे क्वेश्चन हो भी नहीं पाते 20 उसमें से। और इसके अलावा इंग्लिश थोड़ी सी टफ कह सकते हैं, अदरवाइज हिंदी बहुत ईजी आती है, रीजनिंग आपने देखी वो भी बहुत ईजी है, जनरल अवेयरनेस भी जो है कुछ क्वेश्चन ईजी हैं कुछ डिफिकल्ट हैं, बट 20 में से 10-12 क्वेश्चन जो है आप इजीली कर ही सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।